स्वागत है आपका फैक्ट्स टीवी पर। साइंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन और अमेजिंग फैक्ट्स चैनल पर हमेशा आते रहते हैं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं लेटेस्ट अपडेट्स। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। कनाडा नॉर्थ अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट में स्थित एक बहुत ही विशाल देश है। कनाडा की 10 प्रोविंसेस और 3 टेरिटरीज अटलांटिक से पैसिफिक तक फैली हुई हैं और आर्कटिक ओशन के नॉर्थवार्ड तक। करीबन 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ कनाडा दुनिया का सेकंड वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री है एरिया के मामले में। कनाडा की कैपिटल ओटावा है और उसकी डायलिंग कोड +1 है। कनाडा की करेंसी को कैनेडियन डॉलर कहा जाता है। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन करीबन 5 करोड़ है। फैक्ट नंबर 1, कनाडा में दुनिया का सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर मार्क किया गया था। इतना लोवेस्ट कि वो मार्स के इतना लोवेस्ट था। फैक्ट नंबर 2, कनाडा में आपके सोचने से ज्यादा लेक्स हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते उतना लेक्स हैं। करीबन 563 लेक्स। फैक्ट नंबर 3, कनाडा यूरोपियन यूनियन से भी बड़ा है। फैक्ट नंबर 4, नानावुत दुनिया का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट प्लेस है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे है। फैक्ट नंबर 5, कनाडा में दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। फैक्ट नंबर 6, कनाडा के अंदर दुनिया का 10% फॉरेस्ट है, यानी वो इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया का 10% फॉरेस्ट सिर्फ कनाडा के अंदर है। फैक्ट नंबर 7, कनाडा में ही दुनिया की एक वर्ल्ड सिटी है जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर स्थित है। फैक्ट नंबर 8, कनाडा के अंदर बहुत सारा तेल है, इतना तेल कि आप विश्वास भी नहीं कर सकते। फैक्ट नंबर 9, कनाडा के नेशनल पार्क्स दुनिया के दूसरे कंट्री के नेशनल पार्क से बहुत ज्यादा बड़े हैं। फैक्ट नंबर 10, कनाडा में नॉर्थ अमेरिका का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करंट होता है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे टाइड के समय जो हवाएं हैं वो करीबन 17 किलोमीटर प्रति घंटे से लेके 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती हैं। फैक्ट नंबर 11, कनाडा दुनिया का सबसे शिक्षित कंट्री है। करीबन पूरे देश की आधी जनसंख्या के पास कॉलेज की डिग्री है। फैक्ट नंबर 12, कनाडा में दुनिया का सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, यानी करीबन 3.7 लोग हर स्क्वायर किलोमीटर में मिलेंगे आप हैं। फैक्ट नंबर 13, कनाडा के चर्चिल में रहने वाले लोग अपने कार का दरवाजा खोल कर रखते हैं, इसलिए कि कहीं कोई पैदल जाने वाले को पोलर बेयर मिल गया तो वो उस कार में जाकर छुप सके। फैक्ट नंबर 14, 98% कैनेडियंस लिख और पढ़ सकते हैं, या तो इंग्लिश या फ्रेंच। फैक्ट नंबर 15, कनाडा के अंदर प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, पर अगर आप प्रोस्टिट्यूट की सर्विस खरीद रहे हैं तो वो लीगल नहीं है। फैक्ट नंबर 16, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी के अंदर कनाडा के गाड़ी का नंबर प्लेट पोलर बेयर के आकार का होता है। फैक्ट नंबर 17, 2010 में एक कैनेडियन मैन ने एक नवजात बच्चे को कचरे के डब्बे से निकाला। फैक्ट नंबर 18, न्यूफाउंडलैंड में कभी कभी अटलांटिक ओशन इतना जम जाता है कि लोग उस पर हॉकी खेलते हैं। फैक्ट नंबर 19, हर क्रिसमस को करीबन 1 मिलियन लेटर सेंटा क्लॉस के एड्रेस पे भेजे जाते हैं और उसका पोस्टल कोड है हो हो नॉर्थ पोल कनाडा। फैक्ट नंबर 20, योंगे स्ट्रीट कनाडा की सबसे लंबी स्ट्रीट है और दुनिया की भी सबसे लंबी स्ट्रीट है। ये करीबन 1896 किलोमीटर लंबी है। फैक्ट नंबर 21, मॉल ऑफ अमेरिका जो अमेरिका में सबसे बड़ा मॉल है वो एक कैनेडियन द्वारा ओन किया जाता है, यानी उसका मालिक एक कैनेडियन है। फैक्ट नंबर 22, यूएस और कनाडा का बॉर्डर दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर है जिसकी सुरक्षा के लिए सबसे कम मिलिट्री और सिक्योरिटी फोर्सेस यूज होती है, यानी करीबन ना मात्र के। फैक्ट नंबर 23, 1984 से कनाडा के पास कोई भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं है, यानी WMD नहीं है, और उसने ट्रीटी भी साइन किया है कि वो इस चीज को नहीं बनाएगा। फैक्ट नंबर 24, जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पर्ल हार्बर पे अटैक हुआ जापान के द्वारा, उसी समय कनाडा ने वॉर डिक्लेयर कर दिया जापान के ऊपर यूएस से पहले। फैक्ट नंबर 25, कनाडा नाम एक इरोक्वॉयन लैंग्वेज का नाम है जिसका मतलब है विलेज। फैक्ट नंबर 26, कनाडा का ऑफिशियल फोन नंबर है 1-800-O-CANADA, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। फैक्ट नंबर 27, कनाडा के बहुत बड़े पार्ट में बहुत कम ग्रेविटी है कंपेयर करें अगर अर्थ के दूसरे पार्ट से। फैक्ट नंबर 28, कनाडा में अगर कोई अच्छा काम करता है तो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से उन्हें पॉजिटिव टिकट्स दिए जाते हैं जिससे उनका अप्रिसिएशन होता है और वो भविष्य में भी ऐसे अच्छे काम करते रहते हैं। फैक्ट नंबर 29, अमेरिका ने कनाडा के ऊपर 2 बार आक्रमण किया, एक बार 1775 में और दूसरी बार 1802 में, और खास बात यह है कि दोनों बार अमेरिकन्स हार गए। फैक्ट नंबर 30, कनाडा के पास दुनिया का तीसरा सबसे लार्जेस्ट ऑयल रिजर्वॉयर है सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला के बाद। फैक्ट नंबर 31, कनाडा तीसरा ऐसा कंट्री है स्पेस में जाने वाला US और USSR के बाद, और उसके साथ साथ उसने एडवांस स्पेस प्रोग्राम शुरू किया 1962 में। फैक्ट नंबर 32, कनाडा में, मेक्सिको में, इंडिया में, रशिया में, इसराइल में बैंक नोट्स के ऊपर ब्रेल लिपि में लिखी होती है मार्किंग जिससे अंधे लोग भी उसे महसूस कर सकें और पहचान सकें कि ये नोट कितने का है। फैक्ट नंबर 33, कनाडा में करीबन करीबन उतने ही लोग रहते हैं जितना पूरे टोक्यो के मेट्रोपॉलिटन एरिया में रहते हैं। फैक्ट नंबर 34, आईफिल टावर को करीबन करीबन टेम्पररी रिलोकेट किया गया था कनाडा के अंदर
1967 में। फैक्ट नंबर 35, कनाडा में डोनट्स सबसे ज्यादा कंज्यूम होते हैं अगर किसी दूसरे कंट्री की कंपेयर करें पर कैपिटा के हिसाब से। तो यहाँ डोनट्स की बहुत सारी दुकानें हैं। फैक्ट नंबर 36, नॉर्थ अमेरिकन बीवर कनाडा का नेशनल एनिमल है। इंस्पाइट ऑफ नॉर्थ अमेरिका का जानवर होने के बाद भी कनाडा का नेशनल एनिमल कहा जाता है। फैक्ट नंबर 37, कनाडा में एक सर्विस है जो यूएस और कनाडा दोनों जगह पॉपुलर है जिसका नाम क्लीनिंग फॉर अ रीजन है। ये उन औरतों के घर को साफ करती हैं जिन्हें कैंसर होता है फ्री में, क्योंकि वो चाहती हैं कि वो अपने हेल्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान दे सकें। फैक्ट नंबर 38, 9/11 हमले के बाद जैसे ही फ्लाइट्स को ग्राउंडेड या फिर डाइवर्ट किया गया था, उस समय कनाडा ने करीबन 33,000 पैसेंजर्स को रहने की सुविधा, खाने की सुविधा और अकोमोडेशन की सुविधा प्रोवाइड की थी। फैक्ट नंबर 39, कैनेडियन आदमी ने 2015 में 100 हीलियम बलून्स के साथ एक गार्डन चेयर में बांध कर कैलगरी सिटी के ऊपर उड़ने की कोशिश की और वो उड़ भी रहा था। बाद में उसे पुलिस ने पकड़कर अरेस्ट किया। फैक्ट नंबर 40, एक एस्टिमेशन के मुताबिक करीबन 93,000 से ज्यादा कैनेडियंस यूएस में रहते हैं, वो भी एक्सपायर्ड वीजा के साथ। ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रुप ऑफ इमिग्रेंट्स का झुंड है। फैक्ट नंबर 41, कैनेडियन प्रोविंस का शहर अल्बर्टा 50 सालों तक रैट फ्री था, यानी 50 साल तक वहाँ कोई भी चूहा नहीं था। फैक्ट नंबर 42, हवाईयन पिज्जा जो बहुत ही फेमस पिज्जा है वो कनाडा में ही इन्वेंट हुआ था, और सबसे खास बात ये है कि हवाईयन पिज्जा बहुत ही पॉपुलर है ऑस्ट्रेलिया में। फैक्ट नंबर 43, डिल्डो नाम का शहर न्यूफाउंडलैंड के आइलैंड में है जो कनाडा का एक शहर है। खास तौर से लोग डिल्डो किसी और चीज को कहते हैं। फैक्ट नंबर 44, कनाडा के सभी लोग क्वीन एलिजाबेथ 2 का पोर्ट्रेट ऑर्डर कर सकते हैं और उन्हें फ्री में शिप करके मिलेगा। इनफैक्ट पूरी पोर्ट्रेट ही फ्री में रहेगी। फैक्ट नंबर 45, कनाडा के अंदर कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट जो आपको पर्सनल प्रोटेक्शन देता है किसी दूसरे इंसान के अटैक से, वो लीगल है, जैसे कि पेपर स्प्रे। फैक्ट नंबर 46, आपको पता है कनाडा के, इटली के, ब्रिटेन के सारे बेबीज दूसरे कंट्री के बेबीज से ज्यादा रोते हैं, ये एक इंटरनेशनल स्टडी से खुलासा हुआ है। फैक्ट नंबर 47, कनाडा यूएस से 1.5% लार्जर है जमीन के मामले में। फैक्ट नंबर 48, आपको पता है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले एक नाइट क्लब में बाउंसर के तौर पर और स्नोबोर्डिंग के इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम करते थे। फैक्ट नंबर 49, ओंटारियो शहर में एक स्ट्रिप क्लब है जो संडे को चर्च के तौर पर इस्तेमाल होता है। फैक्ट नंबर 50, 1867 में कनाडा का अल्टरनेटिव नेम को प्रपोज किया गया था जिसमें बोरेलिया, कैबोटिया, ट्रांसलेंटिका, विक्टोरिया लैंड और सुपीरियर करके नामों को शामिल किया गया, जिसमें सजेस्ट किया गया कि इसका अल्टरनेट नाम रखा जाए। फैक्ट नंबर 51, कनाडा के नेशनल पार्क्स की एंट्री बच्चों के लिए फ्री है। फैक्ट नंबर 52, कनाडा किसी और देश के मुकाबले पूरी दुनिया में मैक्रोनी और चीज का सबसे ज्यादा कंजम्पशन करता है। फैक्ट नंबर 53, हॉलीवुड के फेमस सेलिब्रिटीज और सिंगर्स कनाडा के ही हैं। फैक्ट नंबर 54, दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे ट्रांस कनाडा हाईवे जो करीबन 7,600 किलोमीटर लंबा है, वो कनाडा में ही स्थित है। फैक्ट नंबर 55, वसागा बीच दुनिया का सबसे लंबा फ्रेश वाटर बीच है जो कनाडा में स्थित है। फैक्ट नंबर 56, ओशन फॉल्स ब्रिटिश कोलंबिया में ऐसी जगह है जहां करीबन 330 दिन बारिश होती है। फैक्ट नंबर 58, कनाडा की करीबन 81% पॉपुलेशन शहरों में रहती है। और 59, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन का करीबन 90% हिस्सा 160 किलोमीटर फैले यूएस और कनाडा बॉर्डर के पास रहता है। फैक्ट नंबर 60, कनाडा की 17% पॉपुलेशन डेली स्मोकर है, यानी हर रोज वो धूम्रपान करते हैं। फैक्ट नंबर 61, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन का 15.9% हिस्सा 65 इयर्स या उससे ज्यादा का है, और 68.5% जो एज है वो बिटवीन 15-64 इयर्स ओल्ड की है। फैक्ट नंबर 62, कनाडा की मेडन एज 41 इयर्स ओल्ड है। फैक्ट नंबर 63, कनाडा की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 81.6 इयर्स है और ये दुनिया का सबसे ज्यादा हाईएस्ट सिक्स्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। फैक्ट नंबर 64, कैनेडियंस अपने सेंटेंसेस को ज्यादातर फिनिश करते हैं एह वर्ड से। फैक्ट नंबर 65, 2,80,681 न्यू परमानेंट रेसिडेंट्स को कनाडा में शरण मिली थी 2010 में, पर ये नंबर टेम्पररी वर्कर्स और फॉरेन स्टूडेंट्स का नहीं है, वो अलग है। फैक्ट नंबर 66, एक एवरेज कैनेडियन पूरे हफ्ते में 21 घंटे से ज्यादा टीवी देखता है, और एक अनुमान के मुताबिक 1,28,000 कैनेडियंस के घर में टीवी है, वो भी बाथरूम के अंदर। फैक्ट नंबर 67, एक एवरेज कैनेडियन आदमी की मैरिज 29 साल की उम्र में होती है, वहीं औरत की 27.4 साल की उम्र में होती है। फैक्ट नंबर 68, एक एवरेज हाउसहोल्ड की कनाडा की साइज है 2.6 पीपल, यानी एक घर में करीबन 2.6 लोग रहते हैं। फैक्ट नंबर 69, कनाडा में करीबन 10 लोगों को नोबेल प्राइज मिला हुआ है। फैक्ट नंबर 70, एक एवरेज कैनेडियन करीबन 640 किलो कचरा हर साल प्रोड्यूस करता है। फैक्ट नंबर 71, कनाडा का नेशनल स्पोर्ट्स हॉकी और लैक्रॉस है।
फैक्ट नंबर 72, बेसबॉल का ग्लव फर्स्ट टाइम कनाडा में इन्वेंट हुआ था, वो भी 1883 में। फैक्ट नंबर 73, कनाडा ने ओलंपिक गेम को 3 बार होस्ट किया है, 1976 में, 1988 में और 2010 में। फैक्ट नंबर 74, विस्लर ब्रिटिश कोलंबिया कई सालों से लगातार रैंक कर रहे हैं पहले पोजीशन पे बेस्ट प्लेस रहने के लिए नॉर्थ अमेरिका में। फैक्ट नंबर 75, रॉयल मॉन्ट्रियल गोल्फ क्लब जो 1873 में बना था वो नॉर्थ अमेरिका का सबसे पुराना गोल्फ क्लब है। फैक्ट नंबर 76, फर्स्ट इंडोर आइस हॉकी गेम 3 मार्च 1875 को विक्टोरिया स्केटिंग रिंक में हुआ था जो मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। फैक्ट नंबर 77, कैनेडियंस का फेवरेट स्पोर्ट आइस हॉकी, फुटबॉल और बेसबॉल है जिसे वो काफी इंटरेस्ट से खेलते हैं। फैक्ट नंबर 78, जॉन कैबॉट फर्स्ट टाइम कनाडा को ढूंढे थे 1497 में। फैक्ट नंबर 79, कनाडा आइस वाइंस के लिए फेमस है। फैक्ट नंबर 80, एक एवरेज कैनेडियन हर साल करीबन 190 अंडों को खा जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही सारे देश के फैक्ट्स और बाकी फैक्ट्स अगर आपको जानना है, देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर ये वीडियो पसंद आई तो, कमेंट करें अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ फैक्ट्स छूट गए हैं तो, अगले वीडियो में ज़रूर इसे इंक्लूड किए जाएंगे।